नाज़रीन साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कल तोशाखाना केस में नाअहल करार दे दिया गया, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुल्क भर में खुशी का समय है। मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान है वो ढोल की थाप पर रक्स भी कर रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिटी उज शरीफ के सदर मोहम्मद अकमल खाकी, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान में एक फितना पैदा हो रहा था जो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के पता नहीं किस दलदल में धकेलना चाह रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल अपना के तमाम इदारों को तहसीन पेश करता हूँ और अपनी पाकिस्तान के मुसल्ला अफवाज को भी तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जो एक फितना पाकिस्तान में पैदा हो रहा था उसको आज उसको पैदा होते ही जमीन में दफन कर दिया गया है। यकीनन हमारे पाकिस्तान के तमाम इदारे खासतौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन खिलाफ तहसीन का मुस्तहिक है। ये क्रेडिट टोटल पीडीएम और खासतौर पर मोहसिन शाहनवाज रांझा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने फितना खान को चीफ इलेक्शन कमीशन की अदालत में लेकर गया है जहाँ पर उनके खिलाफ उनके हक में और इमरान नियाजी जो फितना खान है उसके खिलाफ एक मुनसिफाना फैसला आया है जो फुल कोर्ट बैंड ने फैसला दिया है। वहां पर तो शक्ल में ये चोर साबित हुआ है और ये सर्टिफाइड चोर जो के पाकिस्तान में फितना के नाम से भी जाना जाता है पाकिस्तान की आवाम को लड़ाने के लिए और खास तौर पर जो लम्हा फिक्री है कल जब फैसला आया है उसके खिलाफ तो इस नालायक ने केपीके पुलिस और इस्लामाबाद की पुलिस को आपस में लड़ा दिया है। ये इदारों के दरमियान तसादम पैदा करने के लिए आया है। ये एक गैर मुल्की एजेंट है जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ ले दे करके यहाँ पाकिस्तान में आया है और पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डालने के लिए एक इसको टास्क सौंपा गया है जिसकी पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम भरपूर मजम्मत करती है और खिराज तहसीन पेश करती है। और इस जरूरतमंदाना फैसले को सराहते हुए हम उनको चीफ इलेक्शन कमीशन समेत तमाम पाकिस्तानी इदारों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह पाक हमारे इदारों को अपने हिजुमान में रखे, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की दुआएं हमारी मुसल्ला अफवाज और तमाम इदारों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान पाकिस्तान की एक साधारण आवाम को पाकिस्तान की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था जो कहता था कि पूरा पाकिस्तान चोर है डाकू है ये लुट के खा गए पाकिस्तान को, जिनके खिलाफ खुद साख्ता केसेस बनाकर उनको सजाएं देने का एक ढंग रचाया गया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान की तमाम कैबिनेट जो हमारे सीनियर रहनुमा थे नैब की कस्टडी में रहे और उनको खौफ साख्ता सजाएं दी गई वो भी एक फितना खान की फरमाइश पर। इसने एक सर्टिफाइड और अपने बड़े भाई से जेली सनत हासिल की थी सारे ग्रामीण की, उसका पता कल चाक हो गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कल जो फैसला दिया है वो तमाम हकैक को मद्देनजर रखते हुए मैरिट पर इमरान खान को सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर किया है और उसकी तमाम जिनसे जो उसने अपने पास रखी हुई थी वो भी खाली करने का हुक्म जारी किया है। तो दोस्तों अगर इस
बेंच में अगर एक आधा पदना भी इसकी हिमायत कर देता तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल रह जाता, लेकिन उन्होंने मेरिट को मद्देनजर रखते हुए इस सर्टिफाइड